नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में अभी कौन कहां और क्या किस पद पर आसीन है यह हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसे पिछले वीडियो में भी हम इसी पर बात किए थे और आज भी हम इसी पर बात करने वाले हैं। यह आपके लिए क्यों जरूरी है? आप किसी भी एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी करें या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें या फिर आप कहीं सफर में, अगर बस में, ट्रेन में कहीं भी कर रहे होते हैं, तो आपसे कोई भी इन सब चीजों के बारे में सामान्य जानकारी जो व्यक्ति रखता है आपसे प्रश्न पूछ देता है, अगर आप उसका जवाब दे देते हैं तो आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो खुद को कोसते हैं कि आपको इस चीज की जानकारी नहीं है, या फिर एक जो फीलिंग होती है वो बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है जब हम किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए अभी हम यह विशेष एपिसोड लेकर आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। तो हम आप से कहना चाहेंगे कि जो भी हम ये आपको पढ़ा रहे हैं आप उसको अच्छे से रट जाइएगा और आप यकीन मानिए करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन इससे आने की संभावना रहती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। ये जो नीति आयोग है, पहले योजना आयोग था और इसी का रूप अब हो गया है नीति आयोग। ऐसा नहीं है कि नीति आयोग और योजना आयोग दोनों एक ही है, दोनों में अंतर है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते थे और योजना आयोग के भी अध्यक्ष, नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं और योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते थे, फिर उपाध्यक्ष और सीईओ की बात आती है, तो कुछ इसी तरीके का उसका भी स्ट्रक्चर था और इसका भी स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देश के जो प्रधानमंत्री है वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और आपको अभी पता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है श्री नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष भी है। अब अगर आपसे कोई चलते फिरते कहीं भी कोई प्रश्न पूछ दे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन हमारा है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, आपसे यह भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आप जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, नहीं तो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। अभी आप इत्मीनान से इस पूरे वीडियो को देखिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के जो सीईओ है वो है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत सीईओ है इसके। अब अगला क्वेश्चन हमारा है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग से आप परिचित होंगे, यूपीएससी जिसको आप कहते हैं, और बहुत से लड़कों का ख्वाब होता है कि वो यूपीएससी क्रैक करें, और इसके लिए पूरे भारत में लाखों विद्यार्थी दिन रात एक करके मेहनत भी करते हैं। तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, अब आप ही बताइए, इसके बारे में जानना जरूरी है कि नहीं कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष जो है वह है अरविंद सक्सेना। कितनी सामान्य जानकारी है लेकिन कितनी बड़ी है। अगर इसी प्रश्न का आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, बस सोच कर देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है अध्यक्ष 21वें विधि आयोग लॉ कमीशन के, 21वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है, ये अगला क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा बलवीर सिंह चौहान। बलवीर सिंह चौहान। अब अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है, तो ये है रेखा शर्मा। आप महिला आयोग जो है वह भारत में हो रही महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में, उनके शोषण के बारे में लड़ती है, लोगों को जागरूक करती है, और उसकी जो अध्यक्षा है वो है श्रीमती रेखा शर्मा।
आप अगर जानते होंगे कि इसकी स्थापना कब हुई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष किसके, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है आपको ये बताना है, तो इसका जो आंसर है वो होगा भगवान लाल साहनी। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग के बारे में भी आप जानते होंगे और आप में से बहुत सारे छात्र या तो एसएससी की तैयारी भी कर रहे होंगे या फिर आपका सपना होगा एसएससी की तैयारी करना भविष्य में चलकर, तो आपको यह जानना जरूरी है कि एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है ब्रज राम शर्मा। अब हम पढ़ेंगे सातवें वेतन आयोग। वेतन आयोग जो है वह सरकारी कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करती है, तो इसके सातवें वेतन आयोग हाल ही में चर्चा में रहा है, अखबारों में रोज इसका जिक्र होता था और इसके बारे में आपको पढ़ने को भी अखबार में मिलता होगा, बराबर मिलता होगा, तो इसके अध्यक्ष कौन है वो आपको बताना है, तो वो है अशोक कुमार माथुर। अब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है एनके सिंह। ये भी चर्चा में रहा है, अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्यों चर्चा में है। ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि चर्चा में आ रही है, खबर आ रही है कि जो 15वें वित्त आयोग है इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए, इसीलिए बार बार 15वें वित्त आयोग का जिक्र होता है और संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 में भी वित्त आयोग का विस्तृत वर्णन है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में आपका इंटरेस्ट होगा तो आप इसके बारे में जानते होंगे, नहीं तो आप किताब खोलकर देखिए, आपको सारे चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, नहीं तो हमारे जो मेंटर होंगे पॉलिटिकल साइंस के वो आपको इसके बारे में अच्छे से बताएंगे, वित्त आयोग के बारे में वो विस्तृत रूप से आपको बताएंगे कि वित्त आयोग अधिकार है क्या। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में आप भी जानते होंगे, बार बार इसकी चर्चा होती रहती है, अगर कहीं पर किसी की हत्या हो जाती है या फिर सामूहिक नरसंहार होता है या फिर ऐसा कोई भी कुकृत्य होता है जिससे मानव के जीने के अधिकार का हनन होता है, तो वहां पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उस मानव के अधिकार के लिए लड़ता है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है H.L. दत्तू। H.L. दत्तू जो है वह चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं भारत के। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करेंट अफेयर, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें, जितना प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका आपको जवाब भी देना है। इसी में हमको याद आ गया कि एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दिए थे कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अरविंद पनगरिया और वर्तमान में कौन है यह है राजीव कुमार। इस क्वेश्चन पर हम रुके और हम आपसे क्यों बाद में इसका जवाब पूछ रहे थे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है या इसी साल के BHU एंट्रेंस में MA पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, उसमें अरविंद पनगरिया का भी ऑप्शन था, राजीव कुमार का भी ऑप्शन था, तो बहुत सारे छात्रों ने अरविंद पनगरिया को मार दिया, ऐसा नहीं था, अभी राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।